नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक है सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन, क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th। जीडी ग्लोबल स्कूल करतारपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लासेस 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे भदुली बाजार आजमगढ़ एफिलिएटेड टू ICSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लचीरामपुर आजमगढ़। QCI रेटिंग में इस श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी आजमगढ़। प्रधानमंत्री द्वारा देश के 10 एयरपोर्ट जिसमें जनपद के मंदुरी एयरपोर्ट के अलावा प्रदेश के 4 एयरपोर्ट एवं अन्य प्रदेशों के 5 एयरपोर्ट व महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ का लोकार्पण 10 मार्च 2024 को प्रस्तावित है, जिसके दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रविवार को मंदुरी एयरपोर्ट का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान उच्चाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल को सुव्यवस्थित तरीके से निर्धारित समय में पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि मंदुरी एयरपोर्ट पर स्थायी डिजिटल बोर्ड लगाकर एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत आने वाले उत्पाद मुबारकपुर की साड़ी एवं ब्लैक पॉटरी तथा स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्थानों को प्रदर्शित कराया जाए। इसी के साथ ही प्रस्तावित कार्यक्रम में जनपद में 10 करोड़ की परियोजनाएं जो पूर्ण हो गई है जिसका लोकार्पण किया जाना है उसकी तैयार पहले से ही करा ली जाए। उन्होंने कहा कि पूरे आजमगढ़ शहर एवं प्रमुख स्थलों की अभियान चलाकर युद्ध स्तर पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि पूरे शहर क्षेत्र में वृक्षारोपण कर हरा भरा बनाया जाए। कहा कि आमजन को ध्यान में रखते हुए आने जाने के लिए रूट का डायवर्जन सुनिश्चित करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल से अधिक दूरी पर वाहनों के लिए पार्किंग स्थल न बनाया जाए। उन्होंने कहा कि पार्किंग स्थल पर्याप्त एरिया में बनाई जाए जिससे कि वाहनों को आने जाने में किसी प्रकार की समस्या न हो तथा जाम जैसी परेशानी का सामना आम जनता को न करना पड़े। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम को देखते हुए वाटरप्रूफ जर्मन हैंगर टेंट लगाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल पर ही जनता को लंच पैकेट एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि पानी के लिए बोतल की जगह पानी के बड़े बड़े जार रखवाएं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारी संख्या में आने वाली आज जनता के लिए महिला एवं पुरुष के लिए शौचालय एवं मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करा ली जाए। कहा कि सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से लगातार पेट्रोलिंग पुलिस विभाग के अधिकारी करते रहे। उन्होंने कहा कि आम जनता के लिए कार्यक्रम स्थल पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम को भी सक्रिय किया जाए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जरूरी दिशा निर्देश जनता को देते रहे। उन्होंने कहा कि शहर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे। सड़कों एवं खुले पार्क में एवं प्लाटों में कूड़ा कचरा साफ सफाई करा दी जाए। कहा कि प्लास्टिक की बोतल किसी भी कीमत पर सड़क पर दिखाई ना दे। कहा कि अभियान चलाकर पूरे शहर की सफाई कराई जाए तथा जगह जगह पर हरे पौधे लगाकर शहर को सजाया जाए। बैठक के दौरान सांसद आजमगढ़ दिनेश लाल यादव, निरहुआ IG वाराणसी जोन, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ मऊ, एयरपोर्ट अथॉरिटी अधिकारी PWD, परिवहन विभाग के अधिकारीगण सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। निरीक्षण के उपरांत मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन पहुंचा, जहां से वह कार से शहर के ठंडी सड़क पर स्थित नगरपालिका आजमगढ़ के पूर्व अध्यक्ष एवं जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर कन्हैया सिंह के आवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मिलकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। आपको बता दें कि 1 मार्च को वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर कन्हैया सिंह का निधन हो गया था।
सीएम योगी 4:20 पर स्वर्गीय कन्हैया सिंह के आवास पर पहुंचे और 13 मिनट तक परिवार से मुलाकात करने के बाद पड़ोस में वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय लाल बहादुर सिंह के आवास पहुंचे और वहां उनके परिजनों से भेंट की। इस दौरान सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, चित्रसेन सिंह, विनम्र सेन सिंह, दिवाकर सिंह, रवि प्रताप सिंह, विनीत सिंह, स्वतंत्र देव सिंह मुन्ना, रामकृष्ण मिश्रा, वीरेंद्र सिंह, मिथिलेश पांडे, डॉक्टर पंकज सिंह, जितेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। अब कुछ दिनों में मोबाइल की तरह बिजली के लिए भी रिचार्ज करना होगा। इसको लेकर शहर में सर्वे का काम चल रहा है। जल्द ही मीटर लगने भी शुरू हो जाएंगे। अभी घर घर जाकर विभाग की टीमें मीटर की जांच कर रही हैं। जिनका ज्यादा बकाया है उन्हें बिल भरने के लिए कहा जा रहा है। शहर में करीब 78,000 कनेक्शन धारी है। यहाँ डोर टू डोर सर्वे का काम जारी है। अभी तक 20,000 उपभोक्ताओं का सर्वे किया जा चुका है। सर्वे पूरा होने के बाद मीटर लगाए जाने का काम शुरू हो जाएगा। SDO टाउन प्रथम संदीप प्रजापति ने बताया कि पहले चरण में शहरी क्षेत्र में मीटर लगाना तय हुआ है। मीटर लगा तो रिचार्ज करने पर ही बिजली चलेगी। रिचार्ज खत्म होते ही बिजली बंद हो जाएगी। प्रीपेड मीटर के लिए एक ऐप मोबाइल में इंस्टॉल रहेगा, जिसमें विद्युत खपत की गणना देख सकेंगे। ऐप के माध्यम से लोग देख सकेंगे कि कितना बैलेंस है। रिचार्ज खत्म होने से पहले ही फोन पर बैलेंस रिचार्ज करने का मैसेज आ जाएगा। हर हाल में रिचार्ज समय पर करना होगा। इसके लिए 24 घंटे का समय दिया जाएगा, अन्यथा कनेक्शन ऑटोमेटिक कट जाएगा। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता अपने बजट के हिसाब से रिचार्ज कराकर बिजली का उपयोग कर सकेंगे। अपनी जेब के बजट के हिसाब से उपभोक्ता बिजली पर खर्च कर सकेंगे। जितने रुपए का रिचार्ज कराएंगे उतने की बिजली जलाएंगे। इससे उपभोक्ता को गलत बिल आने की शिकायतों से निजात मिलेगी। इसके साथ ही बिजली चोरी से होने वाले नुकसान से राहत मिलेगी। 15 मार्च से स्मार्ट मीटर लगाए जाने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। शहर में स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। इसके पहले फेज में हम लोग कंज्यूमर की इंडेक्सिंग कर रहे हैं कि किस ट्रांसफार्मर से, किस फीडर से, किस सब स्टेशन से कौन सा उपभोक्ता जुड़ा हुआ है। इसके लिए लगभग 50 टीमें GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको मिला है ये टेंडर स्मार्ट मीटर लगाने का, ये लोग अभी सर्वे कर रहे हैं। लगभग 20,000 प्लस लोगों का इन्होंने आजमगढ़ शहर प्रथम डिवीज़न में सर्वे कर दिया है। और अभी आज से 10 टीमें और लगाए हैं इन्होंने सगड़ी डिवीज़न में स्मार्ट मीटर की इंडेक्सिंग करने के लिए। कितने कंज्यूमर अभी तक हैं? अभी खंड प्रथम में सबसे प्रायोरिटी में लगना है, जिसमें एक्टिव कंज्यूमर लगभग 78,000, इसमें से 20,000 लोगों की भी इंडेक्सिंग हो पाई है। इनको ये समस्या भी आ रही है कि कुछ हमारे मास्टर डेटा में है, मौके पर नहीं मिल रहे हैं। उनका एक रिपोर्ट ये बना रहे हैं अपने कि क्या है कैसे नहीं है। कुछ कंज्यूमर ऐसे भी हैं जिनको बिल नहीं मिल रहा है, उनका मीटर मैच नहीं कर रहा है, ये सारी समस्याएं आ रही हैं। बट ये लोग एक एक चीज़ों की इंडेक्सिंग करके हमको प्रॉपर रिपोर्ट कर रहे हैं। ये है कि जैसे कोई भी आप प्रीपेड कंज्यूमर, आप जैसे आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लगेगा उसके बाद आपके मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल किया जाएगा और मोबाइल नंबर उसमें फीड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी आप रिचार्ज कराएंगे, 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, वो आप रिचार्ज कराएंगे, वो सिक्वेंसली एक दिन का रिचार्ज होता है या 5 दिन के लिए होता है या 1 महीने के लिए होता है, वो सिक्वेंसली आपका डेली का बेसिस पर कटता रहेगा। और उसमें आप एक्स्ट्रा भी रिचार्ज करा सकते हैं। और जैसे भी आपका रिचार्ज ख़त्म होने वाला होता है, जैसे मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपका 1 दिन में रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन में रिचार्ज हो जाएगा, रिचार्ज ख़त्म होने के बाद भी हम लोग 24 घंटे का एक पीरियड देते हैं कि आप उसमें करा लीजिए, उसके बाद ही लाइट कटती है। इसकी अभी हम लोग का डेडलाइन ये है कि 15 मार्च तक पहला स्मार्ट मीटर आजमगढ़ में लग जाए। मेरा मीटर लगाने कोई समस्या, कोई दिक्कत या सर्विस कर रही हो? नहीं, अभी तक तो आजमगढ़ के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं चाहता हूँ, सबने सपोर्ट किया है। और ये सरकार की स्कीम है, इसमें बहुत सारे फायदे हैं। आपको बिल जो कभी कभार गड़बड़ हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड बिल आ जाती है, उसकी समस्या से निजात मिलेगा आपको।
आपको डेली खर्चे की एक ट्रैकिंग पता चलेगी कि मैं डेली 10 रुपये यूनिट का बिजली खर्च कर रहा हूँ या 25 यूनिट का बिजली कर रहा हूँ। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि आप डेली अपनी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपना रिचार्ज कर सकते हैं, जितना चलाना है उतना ही रिचार्ज कराइए। ये सब चीज़ों से बड़ा अच्छा रहेगा और मैं आजमगढ़ के लोगों से ये चाहूँगा कि स्मार्ट मीटर लगाने में सहयोग करें, जिससे कि हम लोग अच्छी से अच्छी उपभोक्ता सेवा दे सकें। उनके लिए आगे देखा जाएगा, फोर्स मेजर की ज़रूरत होगी तो लिया जाएगा। अभी फ़िलहाल पहले फेज़ में ऐसे ही कंज्यूमर को टारगेट किया जा रहा है जिनको बिल उनकी ज़्यादा समस्या होती थी, और ये हम लोग कोशिश करेंगे कि एक फीडर को उठाया जाए तो उसके हर एक कंज्यूमर को लगाया जाए और उनको समझाया जाएगा जरूर कि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं और वो जरूर लगवाएंगे, मेरा ये विश्वास है उनसे। आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट मिलने के बाद भोजपुरी कलाकारों में भी काफी खुशी है। सोमवार को दिन में फिल्म यूनिट के साथ लोकेशन देखने कलेक्ट्रेट पहुंचे वरिष्ठ भोजपुरी कलाकार मनोज सिंह टाइगर उर्फ बताशा चाचा ने कहा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के चलते आजमगढ़ में इन दिनों काफी फिल्मों की शूटिंग हो रही है और कलाकारों का आना जाना लगा रहता है। मनोज सिंह टाइगर ने कहा कि निरहुआ को अभी केवल 1.5 साल का कार्यकाल मिला, उन्होंने पिछले कई वर्षों के काम को एक साल में करके दिखाया, 5 साल तक का कार्यकाल मिलेगा तो धमाल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदी तमिल तेलुगु के कलाकार पहले से ही राजनीति में सेवा करते आ रहे हैं, भोजपुरी कलाकार को जनता और सरकार मान रही है तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि अब भोजपुरी फिल्मों में 2018 के बाद से अश्लीलता खत्म हो गई है, एल्बम में अभी है वह भी जल्द खत्म होगी। अब दिनेश जी यहाँ से सांसद हैं तो उनके लिए और लोगों के लिए आना जाना लगा रहता है और यहाँ शूटिंग खूब हो रहा है, दिनेश जी करवा रहे हैं, तो हम लोग एक हिंदी फिल्म की शूटिंग के लिए लोकेशन देखने आए हैं और चुनाव नज़दीक है तो अब सरगर्मी तेज होगी, तो उस सिलसिले से भी घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। भाजपा ने फिर एक बार निरहुआ जी को टिकट दिया है। जी जी, तो किस तरह की खुशी है या किस तरीके से आप लगेंगे उनके साथ? एकदम सर लगेंगे, जो वादा करके आए थे उसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए, रोड बनी, सड़कें बनी, और 1.5 साल का समय जो है वो बहुत ज़्यादा होता नहीं है। सबसे बड़ी बात है वो आजमगढ़ में बने रहे, कोई भी व्यक्ति आया उससे मिले हैं और काम उन्होंने किया है, वो 1.5 साल बाकी साल पे भारी है और सरकार ने, संगठन ने, जनता ने विश्वास किया है और इस बार सब 5 साल में हंगामा मचाया जाएगा, बाकी जनता जनार्दन ने जिताएगी। 400 के पार रहेगी इस बार, भगवान तो चाह रहे हैं कि इस बार। अच्छा, कलाकार काफी आ रहे हैं राजनीति में जी, अब पवन सिंह जी का भी नाम आया, कई लोगों का नाम आया, तो क्या कहना है इस पे जिस तरीके से? अच्छा है सर, देखिए हिंदी के लोग और तेलुगु तमिल के लोग तो हमेशा राजनीति की सेवा करते रहे हैं, भोजपुरी के लोगों को भी सरकार और जनता उस लायक समझ रही है तो अच्छी बात है, और हम लोग जो है हमारी भोजपुरी को तो ऐसे भी त्रासदी हमेशा सहनी पड़ी, कभी अश्लीलता कभी कुछ, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि 2018 के बाद सिनेमा से अश्लीलता खत्म हो गया, एल्बम सिंगरों में अश्लीलता है उसको ख़त्म करने की बात शुरू हो गई है और होगी, लेकिन सिनेमा से 2018 के बाद आप टेलीविज़न पे सिनेमा आता है, कोई भी सिनेमा उठा लीजिए हम साले तक नहीं बोल पाते हैं, तो अब धीरे धीरे भोजपुरी को भी वो मान सम्मान मिलेगा अगर हमारे लोग आ रहे हैं बीच में। तो एक भोजपुरी में डायलॉग सुना दीजिए। आजमगढ़ के जनता से यह कहल चाहब के भैया बतासा के गोड़वा से लेके मुड़वा तक दिमाग हुए हो, ऐसे प्यार देहत रहिया एकदम हम लोगों छाए रहो यहाँ के, जय जय भोले बाबा। आजमगढ़ के मेघनगर तहसील के कठन गांव के निवासी ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंप कर अपने ग्राम पंचायत में अनियमितता का आरोप लगाकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। कठन गांव निवासी व भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व जिला मंत्री पवन सिंह ने बताया कि उनके ग्राम पंचायत की प्रधान किरण बाला है, वह मनमाने तरीके से कार्य करती है। उनके पति दिलीप राम और एक अन्य व्यक्ति जो कि भूमाफिया है, उसने लोगों को परेशान कर रखा है, खुद 7 बीघा जमीन पर अवैध रूप से विद्यालय बनाया है और अवैध रूप से लोगों को बसा दिया है। वहीं गांव में ही करीब 500 वर्ष पूर्व के राम मंदिर के बगल में दूसरे धर्म के लोगों का घर बनवा दिया है, जिससे आपसी वैमनस्यता बढ़ती रहे। इसके अलावा हर घर जल मिशन योजना में बस्ती की तरफ का पानी का वाल्व बंद कर दिया है, जिससे ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अपने पोखरी में पानी डलवा कर मछली पालन कर रहा है। शिकायत करने पर लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसा रहा है, जिससे जनता त्रस्त है। पूरा मामला ये है कि ग्राम सभा कटहन में
जो महिला किरण वाला प्रधान हैं वह कभी मीटिंग नहीं लेती हैं, हम लोग गाँव के सदस्य हैं और न कोई राय ली जाती है, अपनी मन मर्जी से उनके पति हैं दिलीप राम और पूर्व राजेश प्रधान हैं जो 7 बीघा से ऊपर सरकारी ज़मीन पर विद्यालय बनाए हैं, मुसलमानों का घर बना दिए हैं और सबसे बड़ी समस्या पैदा उन्होंने यह किया कि 500 बरस पुराना हमारा राम मंदिर है वहाँ पर और उस राम मंदिर पर मेला लगता था, उस राम मंदिर के करीब मर 2 मुसलमानों का घर बनाकर गंदगी पैदा की गई और गाँव में बेनमस्ता पैदा की गई है। मैं पूरी सरकार से मांग करता हूँ कि उस राम मंदिर के यहाँ से वो अवैध मकान बनाया गया है जो उसको हटाया जाए, जिससे गांव के विवाद को समाप्त किया जाए और ये भू माफिया पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह गांव में अनेकों लोगों को फर्जी मुकदमे करवाता है और खुद सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया है, पोखरे पर ज़मीन कब्जा किया है और जो सरकार हर घर जल नल पानी चलवा रही है और यह प्रधान पूर्व प्रधान राजेश सिंह और वर्तमान प्रधान पति द्वारा पानी को बंद कर दिया गया है और गांव के वाल को बंद करके और राजेश सिंह के घर 24 घंटा पानी जा रहा है और पोखरे पर कब्जा करके मछली पालन किया जा रहा है। मैं सभी महोदय से योगी मैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार पर राजनीति और सहयोग करने वाला व्यक्ति हूं और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि ऐसे भूमाफिया राजेश सिंह पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जिससे आने वाले भविष्य में कोई ऐसी गलती ना करे। आज डीएम साहब से आप मिले हैं? आज डीएम साहब से मिलकर पूरी बात रखी है कि सर इस आदमी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जितना सरकारी भूमि पर कब्जा किया है उसको हटवाया जाए और इसको तुरंत कार्रवाई करके उसको जेल में डाला जाए, नहीं तो ये गाँव में बेनमस्ता पैदा करता है। आशा बहु कल्याण समिति उत्तर प्रदेश द्वारा आजमगढ़ जिले में अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट क्षेत्र में प्रदर्शन किया गया। इसमें आशा बहु ने सबसे पहले कुंवर सिंह उद्यान में सैकड़ों की संख्या में जुटकर रणनीति तय की, इसके बाद नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतर गईं। अपनी एकता दिखाते हुए सभी ने सरकार से अपनी मांगों पर मुखर आवाज उठाई। उन्होंने अपनी मांगों में प्रोत्साहन राशि को हटाकर निश्चित मानदेय देने की मांग की है और आशा बहु को 18,000 और आशा संगिनियों को 24,000 मानदेय देने की भी मांग की है। साथ ही मृतक आश्रित आशा संगिनी के परिवार को योग्यता होने पर आशा संगिनी पद पर चयन किए जाने व 24 घंटे की सेवा देने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से 50,00,000 का बीमा कवर सहित राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह, जिला अध्यक्ष विभा राय, जिला उपाध्यक्ष मीनू भारती सहित आशा चौहान, शकुंतला, पुष्पा राय, केवली देवी, मंसला प्रजापति, पूजा चौहान सहित भारी संख्या में आशा बहुएं उपस्थित रही। हमारी 9 सूत्री मांगे हैं। 15-16 में हम लोगों ने लखनऊ इको गार्डन में आशा बहु कल्याण समिति के बैनर तले धरना दिया गया, जिसमें हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग 20 फरवरी से कलम बंद हड़ताल किए हैं और आज हम लोग जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन देना चाह रहे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम आगे सारे कार्य को बहिष्कार करते हुए हम लोग एकदम CSC PSC पर बैठ जाएंगे और हम गाँव की 1,000 की आबादी की मालकिन है, 1,000 की आबादी में घूम घूम कहेंगे कि हमारी सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। लगातार कितनी बार धरना आप लोग यहाँ दे रहे हैं? हम लोग लगातार धरना दे रहे हैं लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं हम लोगों की कर रही है, जबकि हम या तो हमें सरकार राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, किसी या तो हमें किसी श्रेणी में रखे। एक मजदूर जो है कि मजदूरी करके 8 घंटे ड्यूटी करके वो मजदूरी अपनी करके 400 मजदूरी लेकर चला जाता है, हम आशा 75 रुपये पर ड्यूटी करती है। हमारी सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे हम भी तो किसी की बेटी है, हम भी तो महिला हैं, हम घरों घरों जाके आपकी स्वास्थ्य सेवाओं को घरों घरों पहुँचाते हैं और हमारे ही परिवार हमारे ही बच्चे जो है कि सारी सुविधाओं से वंचित हैं, हम अपने बच्चों अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी सरकार की क्या जरूरत है हमें जो हम अपना खुद परिवार नहीं चला पा रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं।
आजमगढ़ के महाराजगंज ब्लॉक और तहबरपुर की ब्लॉक के लगभग एक दर्जन से ऊपर महिलाओं ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उनके गांव में कोरोना काल में विभिन्न प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों द्वारा उन्हें लोन दिया गया और अब फाइनेंस वाले उनके घर पर आकर गाली गलौज करते हैं और जबरदस्ती उनसे लोन चुकाने को कहते हैं। डीएम ऑफिस पहुंची महाराजगंज ब्लॉक की गोसाईपुर की रहने वाली चंदा ने बताया कि लॉकडाउन में हम लोग को लोन दिया गया, हम लोग इसमें फंस गए हैं। 13 बैंक से हम लोगों को लोन मिला है। लोन वाले अब हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। लोन वाले कहते हैं कि लोन कहीं से भी भरो, चाहे इसके लिए गेहूं चावल जो भी बेचना पड़े। वहीं तहबरपुर थाना क्षेत्र के मौहार गांव की रहने वाली खुशबू ने बताया उनके गांव में कुछ लोग 40,000 रुपए, कुछ लोग 35,000 रुपए, 25,000 रुपए लोन लिए थे। अब लोन वाले हम लोगों के घर में घुस जाते हैं और जबरदस्ती हम लोगों से लोन की वसूली करते हैं, इसके साथ गाली देते हैं। महिलाओं ने ज्ञापन देकर न्याय के लिए गुहार लगाई। डीएम साहब से यह लोन के बारे में सर रहा था। कितना लोन आप लोगों ने लिए? 40 लिए थे, 35 लिए थे, 25 लिए थे, मतलब भर चुके हैं तब भी लोग घर में। कितना? 40 लाख की? नहीं, 40,000 सर। कितनी महिलाओं ने लोन लिया? 30-35 महिला लिए हैं। घर में घुस के मतलब डर जाते हैं, नहीं हमको लिया के दे, हाई करो वो करो, नहीं तो हम घर से जाएंगे नहीं। गाली पकड़ भी देते हैं, धमकी भी देते हैं। कहा था हम जब तक देंगे नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं यहाँ पे से। बताइए, हम गाड़ी बैठा के कर हम ले चलेंगे सबको, अधिकारी के नहीं करेंगे, वो करेंगे नहीं देंगे, पुलिस के थाना पकड़ाएंगे। हम कहीं जाइए, जब हम लोग को नहीं है तो हम लोग भर चुके हैं ना, जब रहता तो देते हैं, नहीं रहता तो कहाँ से देते हैं महिला लोग। आप लोग लोन लिए थे? लोग आए थे घर पे सर। क्या बता के लोन लिए थे? जैसे बता के कुछ नहीं, यह मतलब जांच पड़ताल में गरीब लोग को पैसा ऐसे नहीं रहते, ऐसे होता है। हाँ सर, आज आप डीएम साहब से? हाँ, डीएम साहब उन्होंने क्या कह रहे हैं? हम दूसरे ठगा भेजते हैं जाके। यही हम लोगों का है कि हम लोग जो एक किस्त फाइनेंस लोन लिए हैं। कब का लिए हैं फाइनेंस? ये तो लॉकडाउन के पहले से ही चलता था, तो लॉकडाउन में हम लोग लिए, उसी में हम लोग जो कि अब फंस गए, समझ लीजिए एक दलदल तमाम हो गया है। कौन दिया था लोन तुम आप लोगों को? 13 बैंक से मिला है अपने आप लोग, और हम लोग घर पर आए हैं तो मान लीजिए हम लोग तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, तो लेकिन जो महिलाएं नहीं पढ़ी लिखी हैं उन लोगों को जो है कि इतना उसमें फंसा गया है कि आटा चाउर गेहूँ यहाँ तक कि घर का जो भी सामान है वो सब निकलवा कर बेचवा रहे हैं। फर्जी कागज भी बना कर दिए हैं। आप लोग बता रहे थे एक लोग मर भी गई हैं। हाँ, मर भी गई हैं, दो लोग भाग भी गई हैं, और गांव छोड़ के, और एक लोग तो हार्ट अटैक से मर गई, एक फांसी लगाने वाली थी, तो हम लोग समझाए बुझाए कि ऐसा ना कि गर्भवती रैली उसके झोटा उखाड़ के मरने जा रहे हैं। हम लोग लोन तो 13 बैंक से लिए हैं, तो देख लीजिए 40,000-35,000 ऐसे ऐसे करके सब में मिला है। आज से लेके अब तक लोन नहीं चुकता हुआ? चुकता हुआ है, तो जैसे मतलब उसी में से ऐसे तो जबरदस्ती करते हैं। अब कितना लोन है इस समय? अब इस समय 13 बैंक का लोन है, अब कम भी हो गया है, कोई में 15,000 है, कोई में 20,000 है, कोई में 4,000 है। तो क्या लोग आके धमकी भी देते हैं? हाँ, घर पर आके पूरा धमकी देते हैं, घुस जाते हैं। 10 बजे रात सुबह से आते हैं, बैठे बैठे रहते हैं, जब पैसा हम लोग वही हाथ गोड़ जोड़ते हैं, नहीं है सर पैसा, नहीं है सर पैसा, तो बोलते हैं कि नहीं हमें कहीं से भी लेकर आए, अपने आप को भेज दीजिए, कहीं से लेकर आइए लेकिन लेकर आइए। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों का साहब से यही निवेदन है, हम लोग डीएम साहब से यही निवेदन करेंगे कि हम लोगों को इससे उद्धरण करवाएं। कितने महिलाओं को लोन दिया है? अरे करीबन होगी 20 महिला से ऊपर होंगी। लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़, सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि।
शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल निया आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़, अफिलियेटेड टू सीबीएसई। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम क्लासेस नर्सरी टू 9 एंड 11, जहां है हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, एडवांस लैब्स, मैग्निफिसेंट लाइब्रेरी, ह्यूज प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस, सेपरेट ग्राउंड फॉर प्री नर्सरी, सेपरेट क्लासेस अवेलेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। वी ऑल्सो ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स, म्यूजिक, स्मार्ट क्लासेस एंड मेनी मोर फैसिलिटी अवेलेबल। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साइंट इनिशियल स्कूल पूरा पांडे, निकट आरटीओ ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साइंट इनिशियल स्कूल पूरा पांडे, निकट आरटीओ ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़।